ăsta vidut. Unde ai găsit? Vidut. विद्युत दो प्रकार की है, एक तो स्थिर विद्युत और दूसरी है गतिज विद्युत, एक स्टैटिकल और एक डायनेमिक। गतिज विद्युत जो अपन काम में ले रहे हैं वो गतिज विद्युत है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दो प्रकार की है, एक तो ये एसी और दूसरी है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एसी है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। हिंदी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट को विद्युत धारा कहते हैं। और सबसे मोस्ट ऑफ 90% जो ऊर्जा हम काम में ले रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी एसी ही काम में लेते हैं। एसी के बहुत सारे फायदे हैं, तो एसी किस प्रकार पैदा होती है ये हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इसमें अल्टरनेटर किस प्रकार से बनाया जाएगा, कैसे आपके इसमें वोल्टेज डेवलप किए जाएंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज में आ रही है एसी करंट। अब पहले अपन अध्ययन करते हैं एसी करंट का। एसी फिर दो प्रकार की है, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज और थ्री फेज, तो अपने अल्टरनेटर के बारे में डिटेल पढ़ना है। सिंगल फेज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कैसे वोल्टेज पैदा करेगा, उसके अंदर क्या है, मेन मैन्युफैक्चरिंग इसकी किस प्रकार से की जाती है। तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिकल और डायनेमिक, जो अभी ज्यादा से काम में ले रहे हैं अपन डायनेमिक। डायनेमिक में एसी और डीसी। एसी जो है सबसे अधिक काम में रहते हैं, डीसी कुछ विशेष काम के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे डीसी है, डीसी का उपयोग बैटरी चार्जिंग में काम आता है, जहां आपको एसी से बैटरी चार्ज नहीं होगी, वो बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी काम में लेंगे। और अगर मान लो कोई फिल्टर करना है धातु का शुद्धिकरण, उसमें भी डीसी काम में ली जाएगी। और डीसी की जो मोटरें हैं, जहां आपको बार बार स्पीड वेरी करना है, स्पीड का वेरिएशन करना है, स्पीड वेरिएशन में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो है वो डीसी मोटरें अधिक सहायता है, क्योंकि एसी मोटर को आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता जहाँ पड़ती है वहाँ डीसी मोटर का उपयोग किया जाएगा। ऐसे कोई इंडस्ट्रीज हैं जहां आपको बार बार गति में परिवर्तन करना है, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, स्पीड कम ज्यादा करनी है, तो डीसी मोटर काम में लेंगे। अब एसी अल्टरनेटर की बनावट कैसे होती है, एसी में वोल्टेज कैसे पैदा होते हैं, उसके बारे में देखें। तो अपन जनरेटर का पूरा डिटेल शुरुआत करते हैं अपन अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तक। ठीक है, ये एसी जनरेटर है, इसका नाम अल्टरनेटर रखा गया है, जिसको आप एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये सारे उपनाम है, अल्टरनेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर अब जो कॉमन जो लैंग्वेज है, जो एसी पैदा करता है, एसी जनरेटर। डीसी पैदा करता है तो डीसी जनरेटर बोलते हैं, लेकिन एसी पैदा करने वाले का नाम एसी जनरेटर ना कहकर उसको अल्टरनेटर कहते हैं। तो इसका जो मूल सिद्धांत है, जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखकर घुमाया जाए
या चालक को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए। सिंपल सा ये मैग्नेट है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में ये चालक है जो आर्मेचर में रखे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ पैदा होगा। अब वो ईएमएफ जो पैदा होता है उसको हम स्लिप रिंग के द्वारा बाहर लेते हैं। ये हमारी एसी प्राप्त होगी। तो ये तो इसका मूल सिद्धांत हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए या फिर चालक को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए। तो हमारा जैसे अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में यहां पर आपकी वाइंडिंग कर दी है, ये तो आपकी वाइंडिंग है मतलब चालक, ये जो चालक है अब मैं चालक को स्थिर रख दिया। ये वाली कंडीशन क्या थी जिसमें चालक घूम रहे थे, फील्ड आपका स्थिर है। एक अल्टरनेटर इस टाइप का है जिसमें पोल बॉडी पे फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, चालक को घुमा करके आप विद्युत धारा ले रहे हैं। अब यहां में पोलों को घुमाते हैं, ठीक है, यहां चुंबकीय क्षेत्र स्थिर था, यहां चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए, चालक को स्थिर रखा जाए, तो चालक में ईएमएफ होगा। ईएमएफ हम कहां से प्राप्त करेंगे, यहां से। ये जो मैंने एक वाइंडिंग का केवल सिंबल लिखा है, वाइंडिंग किस प्रकार की होगी वो आपके अलग अलग डिटेल वाइंडिंग का जब चैप्टर आएगा उसमें और बता देंगे। तो ये थ्री फेज का है तो तीन आउटपुट ले लेंगे, सिंगल फेज का है तो फेज और न्यूट्रल ऐसे आ जाएंगे। और ये वाइंडिंग डिपेंड करती है आप कैसे आपको प्राप्त करना है, सिंगल फेज चाहिए या थ्री फेज चाहिए, तो वाइंडिंग से संबंधित एक चैप्टर दूसरा है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। जब आपका ये रोटेटिंग आर्मेचर, इस प्रकार का जो अल्टरनेटर होगा इसमें रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, ठीक है, और ये वाला रोटेटिंग फील्ड टाइप, रोटेटिंग फील्ड टाइप, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, दो प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं। और उसमें जो छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे अल्टरनेटर होते हैं, उसमें रोटेटिंग आर्मेचर टाइप काम में लेते हैं। और बड़ी मात्रा में, अगर मान लो ज्यादा मात्रा में, हैवी मात्रा में आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो रोटेटिंग फील्ड टाइप। इसका एक फायदा यह है कि फील्ड हल्का होता है जिसकी वजह से उसको घुमाने के लिए कम ताकत की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर कौन सा कहलाता है, जो उसको घुमाता है, चाहे फील्ड को घुमाए चाहे आप आर्मेचर को घुमाए। अब जो जो इसके ऊपर भार पड़ेगा, जब जनरेटर पे या अल्टरनेटर पे जब भार पड़ता है तो वो भार इस आर्मेचर के चालक के ऊपर रहता है, तो चालक में भी तार की साइज उस भार के अनुसार की जाती है। अगर हम ज्यादा मात्रा में बिजली चाहिए तो भार अधिक ले, तो उस कंडीशन में इन चालकों की मोटाई बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत भारी हो जाएगा। तो इसके लिए आप रोटेटिंग आर्मेचर के बजाय रोटेटिंग फील्ड टाइप ज्यादा प्रेफर करते हैं। रोटेटिंग फील्ड टाइप, जितने भी बड़े पावर स्टेशन हैं उस सब में रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर काम में लिए जाते हैं। जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है उसमें रोटेटिंग फील्ड टाइप, फील्ड घूमता है, चालक स्थिर रहता है, इन स्थिर वाले चालकों से आउटपुट ली जाती है, ठीक है। अब आगे इसके अंदर किस प्रकार से वोल्टेज पैदा होते हैं अल्टरनेटिंग, अब आप स्टेप बाय स्टेप देखें।
तो ये एक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में चालक रखे गए हैं। उसकी ये पोजीशन है कि जब चालक पोल के ठीक सामने है, पोल के सामने समानांतर अवस्था में, तो ईएमएफ का मान जो है वो अधिकतम होगा। अगर आप ग्राफ खींच के देखें तो ईएमएफ का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब ये चालक घूम करके इस अवस्था में आ जाता है, पोजीशन चेंज होगी इसकी, वर्टिकल हो गया, मतलब दोनों पोलों के 90 डिग्री एंगल पे, तब इसमें जो ईएमएफ होगा वो शून्य होगा, ऐसे। फिर वापस पोजीशन चेंज होगी तो ईएमएफ मैक्सिमम, मतलब ये वाला जो चालक है ये घूम करके जैसे 90 डिग्री पे हो गया, उसके बाद फिर वापस चेंज होकर साउथ पोल की तरफ आ जाएगा, तो नेगेटिव में ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो एक बार में जब चालक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रॉस करके अपनी अवस्था में आता है तो एक साइकिल बनती है। जब हमारा जो चालक है, इस चालक में जो ये उत्पन्न हो रहा है इसकी बात करें, तो नॉर्थ पोल के सामने से होकर के गुजरेगा, तो एक बार मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया, उसके बाद यही चालक 90 डिग्री पे हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया, और यही वाला चालक साउथ पोल की तरफ चला गया तो नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, और फिर वापस जीरो कंडीशन। इस प्रकार से कंटिन्यू ये साइकिल बनती रहती है, तो ये साइकिल इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूस। तो एक चक्र के अंदर एक साइकिल पूरी होती है, जब आप दो पोलों के बीच हमारा चालक क्रॉस करके निकलता है तो एक साइकिल बनती है, ठीक है। अब इसको और आगे देखें, इसका एक फार्मूला है 120 इंटू एफ बटा पी बराबर आरपीएम। जितने चक्र लगेंगे और पोलों की संख्या जितनी भी होगी, 120 इंटू एफ बटा पी बराबर आरपीएम, ये फार्मूला लागू होता है। अब अगर मान लो, सपोज करो हमारे पास में एक अल्टरनेटर है जिसमें दो पोल लगे हुए हैं, ठीक है, पोलों की संख्या दो है और हमारा आर्मेचर के चालक इस प्रकार से रखे हुए हैं। चालक जब ये वाला, मैंने ये डार्क किया हुआ है, ठीक है, ये चालक इस अवस्था में है इसके पैरेलल, तो ईएमएफ मैक्सिमम। जब ये चालक इस अवस्था में आ जाएगा तो जीरो, फिर वापस इधर आएगा तो नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर वापस इस अवस्था में आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक चक्र में एक साइकिल पूरी होती है। अगर मैं पोलों की संख्या डबल कर दूं, पोलों की संख्या हो गई चार, पोल हमेशा जोड़े में होते हैं, ऐसे होंगे पोल नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, दो पोल के बजाय अगर चार पोल हैं, उस अवस्था में क्या होगा? अगर ये चालक हमारा एक चक्र लगाएगा तो कितनी साइकिल बनेगी? दो साइकिल बनेगी ना। तो जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक साइकिल इसकी बन गई यहां से यहां आया, तो एक चक्र पूरा होते ही एक राउंड में दो साइकिल होगी। ठीक है,
अब पोलों की संख्या हम और बढ़ा देते हैं, पोलों की संख्या और बढ़ा दें, पोलों की संख्या हमने और ज्यादा कर दी, तो हमारा ये चालक एक चक्र लगाएगा तो कितने साइकिल बनेंगे? एक, दो और तीन, एक राउंड में तीन साइकिल बनेंगे। अर्थात फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पोल पे निर्भर करती है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है f बराबर ठीक है, इस प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पोलों की संख्या और RPM। तो फ्रीक्वेंसी किन किन बातों पर निर्भर करती है? पोल की संख्या पर और RPM। अगर हम जैसे जैसे पोलों की संख्या, हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकंड, 50 साइकिल प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको 50 साइकिल ही चाहिए। अब पोल की पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, पहले दो पोल थे, बाद में चार पोल किए या छह पोल कर दिए, तो जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ेगी आपको स्पीड कम करनी है, स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। अर्थात कम स्पीड वाला अल्टरनेटर है तो पोलों की संख्या ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी आपको 50 मिल जाएगी। तो जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ेगी RPM कम कर दे, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपके अल्टरनेटर की बनावट। ये देखते हैं।